सेफी चेयर में नरेंद्र बंछोर ने एफएसएनएल के निवेश को स्थगित कर इसे बचाने, खनिनी समायोजन अथवा अधिग्रहण करने का आग्रह केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से किया। साथ ही एफएसएनएल को प्रतिष्ठित सरकारी इस्पात कंपनियों के साथ संयोजन की मांग की। सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर ने केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री को एफएसएनएल के योगदान को रेखांकित करते हुए बताया कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड अपनी स्थापना के बाद से ही अपने कर्मचारियों की मेहनत और लगन के बदौलत आज तक कभी भी घाटे में नहीं रहा है। वर्षों से एफएसएनएल इस्पात संयंत्र का आंतरिक हिस्सा बन गया है। वर्तमान में एफएसएनएल की विनिवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से हुई मुलाकात की जानकारी सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर ने दी। हम लोग दो दिन पहले दिल्ली प्रवास पर थे और उस समय आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री से सेफी की टीम ने एफएसएनएल की टीम के साथ आरएनएल की टीम के साथ हम लोग ने विनिवेश के स्थान पर इस्पात सार्वजनिक इस्पात उद्योगों के रणनीतिक विलय पर चर्चा की और ये चर्चा पहले भी हम उनसे कर चुके थे, लेकिन बीच में सरकार मतलब इस्पात मंत्रालय की तरफ से एक जवाब भेजा गया जो सेफी चेयरमैन के नाम से था, जिसमें कहा गया कि इस पर अभी कोई विचार नहीं चल रहा है कि हम इन जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं इनको विलय किया जाए। तो हम लोग पुनः विचार के लिए गए थे, क्योंकि आपको विदित होगा कि एफएसएनएल का कार्यालय भिलाई में ही है और इसका मुख्यालय भिलाई में होने के कारण इसका सबसे अधिक कार्य भी इस छत्तीसगढ़ अंचल में आज की तारीख में भिलाई इस्पात संयंत्र की जितने भी स्क्रैप का प्रसंस्करण होता है वह पूरा कार्य एफएसएनएल द्वारा किया जाता है। और आज की तारीख में सेल और एफएसएनएल एक दूसरे के पूरक हैं और जितने भी सेल की यूनिट्स हैं दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, मनपुर, वहाँ एफएसएनएल की भी इकाइयाँ हैं और जितना भी स्लेग का स्क्रैप का प्रसंस्करण होता है वो पूरा कार्य एफएसएनएल द्वारा किया जाता है। एक सार्वजनिक उपक्रम पर हम पूरा विश्वास करते हैं और कई वर्षों से ये कार्य किया जा रहा है और एफएसएनएल का कार्य आज नगर नार स्टील प्लांट जब चालू हो रहा है वहाँ भी उनको मिला है। आने वाले दो वर्षों में करीब 400 करोड़ से ज़्यादा काम को वहाँ मिला हुआ है। पूरे आने वाले दो वर्षों में एफएसएनएल के पास 1000 करोड़ का कार्य है, उसमें आरएनएल भी शामिल है, वहाँ भी वो कार्य कई वर्षों से किए कर रहे हैं। तो एफएसएनएल की जो अपनी इमेज है और जो एक पब्लिक सेक्टर का दूसरे पब्लिक सेक्टर पर भरोसा है उस पर वो खड़े उतर रहे हैं, पूरा प्रॉफिट उनके पास है। मैं ये पहली कंपनी जिसका मैंने 4 सालों का रिकॉर्ड देखा और ये हमने मंत्री जी को बताया भी कि पिछले 4 सालों में आप एवरेज देखें तो एवरेज करीब 45 करोड़ रुपये का हर साल का मुनाफा होता है और वो ये मुनाफे का पूरा पैसा जो है बाद में ये सरकार को ट्रांसफ़र भी होता है, तो सरकार का फ़ायदा है। सरकार के पास जो भी विचार आए कहीं से ये आया कि इसको निजीकरण की ओर जाना है तो उसका हमने कहा कि निजीकरण के लिए कभी अनुशंसा पहले भी नहीं की गई। इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि इसको आने वाले समय में विनिवेश करना है, इसको प्राइवेटाइज करना है, ये ऐसा भी केंद्र सरकार की तरफ से नीति आयोग की तरफ से फैसला आया। तो 2016 में भी ये फैसला एक बार सरकार ने लिया था, लेकिन इसको 23 जुलाई 2017 को वापस ले लिया गया। उस समय सरकार ने कहा कि इसको सेल में या किसी बड़े सार्वजनिक रूप में इसको उसके साथ इसको विलय कर दिया जाए, ये तो उस समय भी एक कमेटी का फैसला था। और इससे पहले भी 2008 में भी एक जीपी शुक्ला कमेटी बनी थी, उसने भी ये कहा था कि सेल का या आरएनएल के साथ इसको समायोजित कर दिया जाए, उसका सब्सिडी बना दिया जाए। तो ये जो बातें सरकार कई बार बार सेफी चेयरमैन नरेंद्र बंछोर ने इस्पात राज्य मंत्री को बताया कि एफएसएनएल का पूर्ण विनिवेश न करके इसे एचएससीएल के तर्ज पर सेल जैसे बड़े सरकारी उपक्रम की सब्सिडी कंपनी बनाया जाए, जिससे कि इस कंपनी से जुड़े 600 से अधिक परिवारों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से नई दिल्ली में मुलाकात करने गए प्रतिनिधि मंडल में सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर, वाइस चेयरमैन नरेंद्र सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी केवीडी प्रसाद एफएसएनएल से सौरभ थारेवाल एवं प्रशांत साहू शामिल थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।